हार पुलिस स्टेशन में जुबैर खान माफीनामा देना चाहता है। रोलिंग नंबर। खार पुलिस स्टेशन में माफीनामा देना चाहता है जुबैर खान, ठीक है, ये बोल रहा है। उसने किसी मेरे अपने बड़े भाई को फोन किया, बोला कि आप आपकी इज्जत करती हैं, अगर मेरी मदद नहीं कर सकती हैं तो कम से कम मुझे बर्बाद तो ना करें। देखो, वो बिग बॉस के घर के अंदर बैठ के जुबैर खान ने कहा था कि मेरी एक बहन है जो एनजीओ चलाती है, मैं बाहर निकल के बताऊंगा, वो एक एक को उठा उठा के पटक पटक के मारेगी, ठीक है। मतलब उसके उसका इंटेंशन जो अंदर से ही था, उसने दिमाग में सेट कर लिया था कि बाहर आके वो मुझे यूटिलाइज करेगा। मैं यहाँ पर बैठ के जुबैर को याद नहीं कर रही थी और ना वो मेरे जहन में दूर दूर तक था, मैं यहाँ अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन जब वो बाहर आया 7 तारीख को, वो इंसिडेंट, वो 8 को वो बाहर आके मुझे ये कहता है कि यस, मेरे साथ में ये सब कुछ बुरा हुआ। 15 तारीख को मेरा अन्नदान था, आई वॉज क्वाइट बिजी, कि दिवाली 19 तारीख को थी, गरीबों की दिवाली अच्छे से जाए, मैं उसमें लगी हुई थी। मैं मुस्लिम होके मैं लोगों की दिवाली में लगी हुई थी, ठीक है। 15th के बाद में जब मैं फ्री हुई और मैंने इसको बोला कि लेट्स गो टू लोनावाला पुलिस स्टेशन, तो इसने मुझे बताया कि मैं नहीं जा सकता, मेरे लोगों ने बोला कि वहां पे बहुत खतरा है, बिग बॉस के घर के बाहर 200 बाउंसर्स हैं, 200 बाउंसर्स। मैंने क्राइम ब्रांच की टीम को बोला है, यू गो एंड पर्सनली इन्वेस्टिगेट कि वहां पे 200 बाउंसर्स है या नहीं। वहां पे 2 बाउंसर्स तक नहीं है बाहर, कितने, 2 बाउंसर्स भी नहीं है। शबनम जी, जिस तरह से बिग बॉस, तो आप देखते होंगे, नहीं देखते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहीं देखता, लेकिन उसमें से जो कंटेस्टेंट जो बाहर आ रहे हैं, हाँ। उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट मीडिया को दिया नहीं है कि हमको सिखाया जा रहा है अंदर, तो ये जुबैर खान ने किस तरह से, किस वजह से बोला ये? हाँ, जुबैर खान ने ये बोला कि अंदर गाली देने बोला जाता है, लड़ने के लिए बोला जाता है, ये भी उसने बोला है, लिख के भी दिया है मुझे, और उसने यही बताया भी है कि अंदर लड़ने के लिए भी बोला जाता है, टास्क दिया जाता है, और अंदर गाली गुलज करने के लिए भी टास्क दिया जाता है। तो ये तो बिग बॉस की टीम के ऊपर है। अभी देयर वाज अ लेडी जिनके साथ मेरी बात होती थी, मैंने क्राइम ब्रांच को उनका नंबर और उनकी डिटेल भी दी है, मिस वर्षा कपूर, आई थिंक शी इज अ वेरी जेन्युइन लेडी, बिकॉज मैं लोगों के बात करने से पकड़ लेती हूँ कि लोग क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। उस बंदी से मेरी बात हुई और मैं उसकी बात से सहमत हूँ कि जुबैर ने कोई 20-25 गोलियां खा ही नहीं सकता, बिकॉज वो बंदा बिग बॉस के घर से जब वो हॉस्पिटल गया, वो पैदल चल के वॉक करके गया है, और 3 घंटे में बंदे ने डिस्चार्ज ले लिया। ये डॉक्टर बोल रहा है हॉस्पिटल का, ये डॉक्टर बोल रहा है हॉस्पिटल का, 3 घंटे में डिस्चार्ज लेके, विलिंगली डिस्चार्ज लेके बंदा चला गया, विच इज रिकॉर्डेड इन सीसीटीवी कैमरा। क्योंकि हम देख रहे हैं बिग बॉस से काफी लोग बाहर आ रहे, तो कोई ऐसा एक ऐसा नहीं बता रहा कि बिग बॉस ने हमको ये स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए और गाली गलौज के लिए बोला करके, और जुबैर खान के इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा किस तरह से, कुछ आपको कुछ इसमें आइडिया है कैसा कुछ? मैंने बताया है ना, जैसे इसने घर के अंदर ही प्लान कर लिया था कि ये बाहर निकलेगा एंड ये सलमान खान के ऊपर केस बनाने के लिए मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा, सलमान खान के ऊपर केस बना के, ही वांटेड टू बी ए फेमस, ही वांटेड टू अर्न सम मनी, ही वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सलमान खान को डिफेम करने के लिए इसने मेरा नाम यूज करने, मेरा पावर यूज करने के लिए इसने पहले ही सोच लिया। सलमान जी, हाल में एक वीडियो किसी ने, कोई लेडीज ने डाला था, हाँ, उसका कुछ आपने कुछ इनाम वगैरह रखा था, तो एक बार हम सुनना चाहते कि वो वीडियो में हुआ क्या एक्चुअली। वो वीडियो देखो, वो किसी ना किसी दुश्मन ने डाला था, मुझे कुछ, जैसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड है, एक हैकर ग्रुप है एनोमिनस वर्ल्ड हैकर, उसमें से एक बच्चे ने फोन करके मुझे बताया कि ये वीडियो यहाँ बैंड्रा रिक्लेमेशन से ही किसी मुस्तफ़ा शेख ने अपलोड किया है, और उस लेडी का नाम मुस्कान है जिस लेडी ने बात की है, वो मतलब यहाँ रिक्लेमेशन बैंड्रा इतने नज़दीक के लोग हैं, ये मतलब मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हो सकते हैं। अब वो ना नकाब खुला, ना ये मुस्तफ़ा शेख मिला, अब हो सकता है राशन लेने भी आते होंगे ये मेरे पास में, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हो सकते हैं। खैर, उन्हें छोड़ दीजिए, जब मिले नहीं, मैंने इनाम रखा हो, अगर वो चाहते तो खुद ही बुरखा उठा के आ जाती और इनाम के पैसे लेके जाती कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई।